दोस्तों, क्या आपको पता है अगर आप कोई छोटा मोटा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो सरकार उसे शुरू करने के लिए 7.5 लाख तक का लोन देती है। नमस्कार, खाता बुक के नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप एक ग्रोसरी स्टोर शुरू करने के लिए कम ब्याज में लोन अप्लाई कर सकते हैं। वैसे अगर आप जानना चाहते हैं कि ग्रोसरी स्टोर शुरू करने से पहले आपको क्या क्या करना होता है तो इस वीडियो पर क्लिक करें। तो देखिए, लोन लेने की प्रोसेस 3 चरणों में बटी होती है। एप्लीकेशन, इसके अंदर आपको जिस भी बैंक से लोन चाहिए उस बैंक की वेबसाइट पर जाकर लोन के लिए एप्लीकेशन भर के ऑनलाइन ही जमा करनी होती है। डॉक्यूमेंटेशन, अप्लाई करने के बाद आपको अपनी जरूरी डॉक्यूमेंट्स की डिजिटल कॉपीज को भी साथ में अपलोड करना होता है। सैंक्शन, इसके बाद आपकी एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट्स की बैंक जांच करता है और अगर सभी सही पाया जाता है तो 3 दिन के अंदर अंदर बैंक आपके अकाउंट में सीधे सारा पैसा डाल देता है। ये लोन खास तौर पे मध्यम और छोटे व्यापारियों के लिए होता है। इसी वजह से इस लोन की कुछ ऐसी खासियत हैं जो इसे और किसी भी तरह के लोन से अलग बनाती हैं। पहली खासियत, लोन अप्लाई करने से लेकर और उसके मिलने तक काफ़ी कम वक्त लगता है। अगर कुछ बड़े बैंक्स को छोड़ दें तो लगभग सारे बैंक इस लोन को ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन में प्रोसेस कर देते हैं। और तो और, कई लोन प्लेटफॉर्म्स तो ऐसे भी हैं जो 60 मिनट्स के अंदर अंदर आपके अकाउंट में लोन का पूरा पैसा ट्रांसफ़र कर देते हैं। दूसरी खासियत, लोन अप्लाई करने के लिए आपको बैंक जाने की ज़रूरत ही नहीं है। सीधा अपने घर से ही आप आराम से ऑनलाइन इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तीसरी खासियत, इस लोन की ब्याज की दरें भी काफ़ी कम रहती हैं ताकि आप पर ज़्यादा बोझ ना पड़े और आप इसे आसानी से चुका पाए। चौथी खासियत, जैसा कि बाकी और लोन्स में होता है, अगर आप इस लोन को समय से पहले चुका दें तो इसके लिए आपको अलग से कोई प्रीपेमेंट चार्ज बैंक को देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पाँचवीं और सबसे आखिरी खासियत, इस लोन को चुकाने के लिए आपको 18 से 36 महीने का अच्छा खासा समय मिलता है, जो कि अगर देखा जाए तो किसी और लोन के मुकाबले अच्छा है। अब आ जाते हैं कि लोन अप्लाई करने के लिए आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। बस आपके पास एक पैन कार्ड, आधार कार्ड और पिछले 2 साल की इनकम टैक्स की रिटर्न की कॉपीज होनी चाहिए। इसके साथ ही अपनी बैंक की पासबुक और अपने बिजनेस का रजिस्ट्रेशन। सुनने में शायद आपको ज़्यादा लगे लेकिन ये डॉक्यूमेंट्स लगभग सबके पास होते हैं। लेकिन इन डॉक्यूमेंट्स के अलावा कुछ ऐसी भी बातें हैं जिनका आपको लोन अप्लाई करने से पहले ध्यान रखना ज़रूरी है। पर उन बातों पर जाने से पहले, अगर आपको अभी तक ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम आपके लिए समय समय पर बिजनेस से संबंधित ऐसी जानकारी लाते रहेंगे। बिजनेस प्लान, तो सबसे पहली बात है बिजनेस प्लान। देखिए, बिजनेस चाहे छोटा हो या बड़ा, उसे शुरू करने से पहले एक प्लान तो ज़रूर बना लें, क्योंकि बैंक लोन देने से पहले आपका बिजनेस प्लान भी देखना चाहेगा। इसलिए जितना अच्छा और बढ़िया आपका बिजनेस प्लान रहेगा उतने ही आपका लोन अप्रूव होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर आपको लगता है कि आप बिजनेस प्लान नहीं बना पाएंगे तो आप किसी एक्सपर्ट की मदद भी ले सकते हैं। वैसे बिजनेस प्लान कैसे बनाना है और उसे बनाते वक्त किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है, ये जानने के लिए इस वीडियो पर क्लिक करें। बिजनेस का पंजीकरण और रजिस्ट्रेशन, ध्यान रखना, किसी भी बिजनेस को शुरू करने से पहले उसे शुरू करने की परमिशन लेनी पड़ती है। बस रजिस्ट्रेशन उसी परमिशन को कहते हैं। दोस्तों, अगर आप बिजनेस रजिस्टर कराने की पूरी प्रक्रिया जानना चाहते हैं तो उसके लिए इस वीडियो पर क्लिक करें। तो हर बिजनेस की तरह आपको भी अपने किराने की दुकान की परमिशन अपने एरिया की नगर निगम से जाकर लेनी पड़ेगी। ये बहुत ही आसान प्रक्रिया होती है और इसमें ज्यादा वक्त भी नहीं लगेगा। सप्लायर, अपनी दुकान में सामान लेने के लिए आपको सप्लायर की जरूरत पड़ेगी। अब किराने की दुकान में सामान की जितनी वैरायटी होगी उतने ही ग्राहक आपसे सामान लेना पसंद करेंगे। तो आप अलग अलग होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर से बिजनेस शुरू करने से पहले ही बात कर लें ताकि आपकी दुकान में ग्राहकों को सामान और वैरायटी दोनों ही अच्छी मिल सके।
वैसे अगर आप ये सोच रहे हैं कि किराने की दुकान में क्या क्या सामान रखना होता है तो ये वीडियो देखें। स्टाफ, आप अगर एक बड़ी दुकान खोलना चाह रहे हैं तो आपको कुछ ऐसे व्यक्तियों की भी आवश्यकता पड़ेगी जो आपको दुकान पर मदद कर सकें, क्योंकि अकेले आपके लिए सब कुछ मैनेज करना मुश्किल भी हो सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो के लिए बस इतना ही था। अगर अगले वीडियो के लिए आपके कुछ सुझाव हैं तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दें। नमस्कार।